पहले मेरी बात सुनिए, ये आपका पैसा आ रहा है ये अपना प्राप्त करोगे या नहीं करोगे ये बताइए पहले। सर हम बहुत घबराए हुए हैं सर, हमने कई जगह पैसे दे दिए काम नहीं हुआ, कहीं आपको दे दिया तब भी काम नहीं हुआ। ये बताइए आप लोगों के यहाँ से कॉलोनी आवास का फार्म प्रिया अंजलि के नाम से हुआ था? हाँ सर, एक प्रियांजलि नाम से हुआ था, एक आकाश मिश्रा नाम से हुआ था, दो बार हम डाले थे, तो कौन सा वाला पे आया पैसा? ये जो प्रिया अंजलि के नाम से पास हुआ 2,62,000 रुपए, समझ रहे हो? एक बार इनका पैसा पहले भी पास हुआ था, बट आप ही के जिले से एप्लीकेशन लगवा कर आप लोगों का फार्म कटवा दिया गया था। क्या सर, किसने कटवाया ये पता चल सकेगा? क्या हुआ सर, पैसा किसने कटवाया ये पता चल जाएगा? भैया ये बताइए, कोई एप्लीकेशन डालेगा तो उसमें क्या अपना नाम पता डाल देगा का, ये बताइए पहले। अच्छा, तो मतलब पैसा आ जाएगा ये वाला हमारा? पास हो गया है आपका, दोबारा पैसा पास हुआ तो इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन का बनवाने का फाइल बनेगी, परमिशन बनेगी, तो रजिस्ट्रेशन का आपका थोड़ा बहुत खर्च लगेगा फाइल बनाने का। सर थोड़ा बहुत क्या, हम तो 10-5 हज़ार खर्च करने को बैठे हैं। हाँ तो आप लाइन पर रुकिए, ठीक है, यहाँ से चेक करके आपको जो थोड़ा बहुत आपका खर्च लग रहा है चेक करके बताया जा रहा है, ठीक है, लाइन पर रुको। हाँ इसमें जो आपका खर्च लग रहा है 6,500 रुपये लग रहा है। सर 6,500 मतलब 6,500 में काम हो जाएगा हमारा? हाँ हाँ पूरा काम आपका हो जाएगा। तो आपको जहाँ से ये बताइए, आप गूगल पे या फोन पे यूज करते हो? सर हम कीपैड फोन चलाने वाले किसान आदमी। हाँ तो ये बताइए आपकी जो नजदीकी जनसेवा केंद्र है कितनी दूर है आपके घर से? सर जनसेवा केंद्र पे हम उसी समय गए थे जब हमने फार्म भरवाया था, उसके बाद हमारी लड़ाई झगड़ा हो गया उनसे, हमें लगा कि उनने गड़बड़ी कर दी, तभी हम उनसे हम बोलना चालना हमारा बंद हो गया। क्योंकि उनने जो है दो बार फार्म भरा सर, दो बार फार्म भरा उसमें गलती कर दी, उन्होंने पूरे पूरे पैसे भी ले लिए लेकिन हमारा काम आज तक नहीं हुआ। हाँ ये बताइए, ये फार्म जनसेवा केंद्र वाले के यहाँ से अप्लाई किए थे ना? जनसेवा केंद्र वाले के यहाँ से भरवाया था। हाँ तो हो सकता है उसी ने कटवा दिया हो, समझ रहे हो, उनके पास एक डेमो की लिस्ट भी होती है। सर यही हमें लोगों ने बताया कि उसने कटवा दिया, तभी हमारी उससे बड़ी बातचीत हो गई। जो आपका 6,500 रुपये खर्च लग रहा है ये आपके पास व्यवस्था है? सर व्यवस्था की जाएगी, उधार लेंगे कहीं न कहीं से अपने भाई बंधु से। हाँ तो शांतिपूर्वक से, क्योंकि आपका एक बार फार्म कट चुका है, समझ रहे हो, ये थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर के बाद आपका पैसा 2,62,000 रुपये आएगा। सर 2,62,000 आएगा, उसमें आप 6,500 क्या आप उसमें से 7,000 काट लीजिए पूरे। तो ऐसा नहीं, हमारे 2,62,000 में 7,000 काट के जो बचे वो हमारे अकाउंट में भिजवा दीजिए। पहले मेरी बात सुनिए आप। सर जी सर, ये बताइए आपका पैसा दोबारा पास हुआ, जब तक आपकी परमिशन और फाइल नहीं बनेगी तब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? सर उसी में से काट लीजिए हमारे पैसे। आपका पैसा दोबारा पास हुआ तो जब तक आपकी फाइल नहीं बनेगी और बड़े अधिकारी की मोहर नहीं लगेगी, पूरी परमिशन नहीं बनेगी, तब तक आपको 1 रुपये भी नहीं लगाया जा सकता। अच्छा सर, तो पैसे पहले देने पड़ेंगे? आपको पहले जो आपका खर्च लगेगा रजिस्ट्रेशन का, ये आपको पहले ही करना पड़ेगा। सर पहले कर देंगे, किसे देना पड़ेगा बताइए? हम बैंक हमारे पड़ोस में है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारा जो खाता है, हम बताइए वहाँ जाकर हम दे दें किसी अधिकारी को? नहीं वहाँ पर किसी को नहीं देना, ये हमारे जो वेबसाइट कोटे का नंबर दिया जाएगा अधिकारियों द्वारा, समझ रहे हो, वहाँ से आपकी परमिशन बनेगी। लिखिए नंबर, एक कलम एक पेन ले लीजिए। गुल्लू भैया पेन ले जाओ, कॉपी पेन ले लीजिए, नंबर लिखिए। हाँ सर ले लिया का। हाँ लिखिए नंबर 93, अभी 93 मतलब 93। हाँ 93 93 सर, 5-3 या 93? 93 93 6-8 6-8 8-9 8-9 7-4 7-4 मतलब 74। हाँ हाँ और 59 59 59 6-9 हाँ नहीं 5-9। अच्छा सर 5-9। हाँ एक बार नंबर फिर से बताइए। 93 जी 6-8 जी 8-9 जी 7-4 हाँ 5-9। हाँ इसमें नाम लिख लीजिए सौरभ, गूगल पे या फोन पे या पेटीएम, समझ रहे हो? सौरभ। हाँ सौरभ सौरभ लिख लिए हो? CA CA UR सौरभ। स्पेलिंग बताएं क्या? स्पेलिंग हाँ सर, स्पेलिंग बता दीजिए। SA R A R R A B
BH सौरभ। बी ए बी वाला यू बी वाला? हाँ ए बी वाला। ए बी वाला, ए बी वाला बी एच एच एस एच 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 या एस एच एच एच? हाँ सर हो गया सौरभ हो गया। हाँ तो ये बताइए कितना समय लग रहा है पैसा जमा करा के बताने? सर हम पैसा का इंतजाम करके हम शाम तक भेज देंगे। क्या हुआ? हम शाम तक पैसा इंतजाम करा के भेज देंगे। ये शाम तक देख ले, हम सर अभी की फाइल नहीं लेकर बैठे रहेंगे भैया, और भी फाइल है आपको आता है कंसेप्ट सभी दिया जा रहा है। हम बहुत सर हम बहुत घबराए हुए हैं सर, हमने कई जगह पैसे दे दिए काम नहीं हुआ, कहीं आपको दे दिया तब भी काम नहीं हुआ। देखिए भैया वो बात आपकी सही है, देखिए आपकी फाइल बन रही, पूरी परमिशन बन रही है, आपको करवाना पड़ेगा पहले, समझ रहे हो? सर समझ तो सब रहे हैं लेकिन हम भरोसा कैसे करें आप पर? क्या हुआ? हम कैसे भरोसा करें आप पर? बताइए जो हमारे अधिकारी आपकी फाइल बना रहे हैं उनकी वीडियो बनवाकर आपके पास भिजवा दें अपने। हाँ सर ये काम कर, आप लाइन पर रुकिए, हम वीडियो बनवा रहे हैं। ठीक है ठीक, लेकिन भिजवाएंगे कैसे सर? हम तो कीपैड फोन चलाते हैं। तो व्हाट्सएप किसी का नंबर है आपके पास? छोटे भैया व्हाट्सएप नंबर है? व्हाट्सएप चलाते हो? भाभी चलाती हैं शायद, भाभी है। हाँ तो उनसे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, यहाँ पर आप इसी नंबर पर हम जो बता रहे हो उस पर व्हाट्सएप करिए। हाँ नंबर लिखिए 95 95 30 3 0 3 0 3 बार 0 है। अच्छा 3 बार 0, हमें लगा 3 और 0। 3 बार 0 3 बार 0 53 9 3 9 3 नहीं 5 3 पाँच। हेलो हाँ सर 5 0 30 0 0 3 0 30 0 30। हाँ अब इस पे व्हाट्सएप बनाकर हाय का मैसेज कराइए, ये अधिकारी के पास जाएगा। ठीक है नंबर एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ 95 3 बार 0 95 3 बार 0 53 0 30 5 3 0 3 0 3 0 नहीं। हाँ सर 0 फिर 30 लिखो 0 30 ठीक। हाँ सर इसके व्हाट्सएप बनाकर हाय का मैसेज भेजो पहले तुरंत। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? अभी तक कहाँ से आपको लग रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम बहुत डरे हुए हैं सर, बता दीजिए। मैं जनपद भोपाल से बात कर पा रहा हूँ। भोपाल जे इधर अमेठी के आगे पड़ता है? जी जी। अच्छा और सर जो है जे सर जो है जिनका नंबर दिया इनका क्या नाम है सर? अरे इस पे व्हाट्सएप बनाइए, ये अधिकारी व्हाट्सएप कोटे में आएगा तब आपके पास वीडियो जो बनवाई जा रही वो भेजी जाएगी। सर हमारा नाम आप नोट कर लीजिए, आकाश मिश्रा, हमारी पत्नी का नाम प्रियांजलि मिश्रा, और हम रहने वाले हैं मिश्रीपुर के भावलखेड़ा ब्लॉक लगता है, और हमारी तहसील सदर है जनपद शाहजहाँपुर। पहले मेरी बात सुनिए, ये आपका पैसा आ रहा है ये अपना प्राप्त करोगे या नहीं करोगे ये बताइए पहले। सर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके व्हाट्सएप बना कर हाय का मैसेज सेंड करिए, यहाँ से मैं अधिकारी से वीडियो बनवा रहा हूँ वो आपके पास भेजें कि आपको सही है या गलत लग रहा है। सर एक चीज और पूछना चाहते हैं। जी बताइए। सर अगर जैसे पैसा हमने भेज दिया जी, और इससे पहले भी हमने कई जगह पैसा इधर उधर बांटा, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं भैया, आपको मैं अपना पूरा प्रूफ दे रहा हूँ और आईडी कार्ड भी दे रहा हूँ। ठीक है ऐसे नहीं कि किसी को ऐसे मैं पैसा डलवा लूँ, यहाँ 11 अधिकारी सीनियर लाइन पर भी बैठे हुए हैं, हमारी और आपकी बात भी सुन रहे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए, समझ रहे हो? सर कितने अधिकारी हैं? 11 अधिकारी हैं। सर योगी जी तक हमारी बात पहुँचेगी? अरे भैया ये बताइए तुम अपना काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? योगी जी से क्या, योगी जी आपसे ही बात करने के लिए सिर्फ फुर्सत में बैठे हुए हैं क्या, ये बताइए पहले। सर थोड़ा हम पढ़े लिखे कम हैं इसीलिए आपसे हम पूछ रहे हैं। तो जो आपको प्रूफ मांग रहे हो वो अपना प्रूफ दे रहे हैं, अपना आईडी कार्ड पैन कार्ड और आपको वीडियो बनवा कर सेंड कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कर पा रहे हो तो करिए, नहीं कर पा रहे हो तो बाहर का फार्म फेंक दे। अरे नहीं सर आप तो नाराज हो गए हैं सर। नाराज नहीं भैया, आप ऐसी बात ही बता रहे हो, इतनी देर से योगी से बात कराइए मोदी, ये बताइए योगी मोदी क्या आप ही के लिए सिर्फ टाइम? अरे नहीं सर वो बड़े अधिकारी वो कैसे हमसे बात करेंगे। तो फिर सर हम ये कह रहे हैं जी कि जैसे जो फार्म न डाले तो उसके यहाँ अकाउंट में भी पैसा आ जाता है? किसके अकाउंट में?
जैसे वो फार्म ना डाले उसके अकाउंट में भी पैसा आता है। तुम्हारा अकाउंट है कि नहीं है ये बताइए पहले। हम ये पूछ रहे हैं कि जो फार्म ना मतलब करे उसके अकाउंट में भी पैसा आएगा क्या? अकाउंट में कैसे पैसा आएगा? तो हमने तो कभी ये फार्म भरा ही नहीं है। तो किस चीज़ का फार्म भरे थे तुम? हम तो किसी चीज़ का नहीं भरे थे।